साथियों जय हिंद। सभी शिक्षक साथियों के लिए बहुत बहुत स्वागत। हमारी ये तीसरी शिक्षण योजना है प्रथम सप्ताह की। गणित में हमें तीन शिक्षण योजनाओं का निर्माण करना, एक सप्ताह में तीन शिक्षण योजना पढ़ानी है, तो मैंने तीन शिक्षण योजना को आपके लिए दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। इस तरीके से हमारा प्रथम सप्ताह का कार्य पूरा हो जाएगा। ये इसका है लर्निंग आउटकम, मैंने आपको पूर्व की बात बताया है। अगला प्रकरण है गणित में छोटा एवं बड़ा। अगले हमारा हेडिंग है, मैं जूम करके दिखाता हूँ, सीखने सिखाने की सहायक सामग्री। टीएलएम है, पोस्टर है, मेले का पोस्टर है, फ्लैश कार्ड है, संख्या चार्ट है, कार्य पुस्तिका है, हाथी का चित्र है आदि। आप टीएलएम अपनी इच्छा अनुसार घटा और बढ़ा सकते हैं, जितना अच्छा चाहें टीएलएम यहाँ पर लगा सकते हैं, आपकी इच्छा अनुसार है। सीखने सिखाने की प्रक्रिया एवं गतिविधि। अगला हमारा कॉलम है, क्रमांक है, चरण है, समय है, आकलन, चर्चा, परचर्चा और प्रतिक्रिया। 15 मिनट का समय है, चर्चा, प्रतिक्रिया और सहभागिता बच्चों से देखकर कराएंगे। शिक्षण में हम बच्चों से पूछेंगे और भौतिक वस्तुओं और प्रवेश का अवलोकन कराएंगे। प्रवेश से बच्चे बहुत अधिक सीखते हैं और छोटा बड़े की चर्चा करेंगे। जैसे प्रवेश में छोटे बड़े वृक्षों के चित्र दिखा सकते हैं, छोटी बड़ी चीज़ों को दिखाएंगे। प्रवेश में बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। बच्चों को अनेक प्रकार के फ्लैश कार्ड दिखा करके पूछने का प्रयास करेंगे, छोटे बड़े की पहचान कराएंगे और इस तरीके से बच्चों से नए नए क्वेश्चन छोटे बड़े के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब शिक्षण के दौरान को हम आपको जूम करके दिखाते हैं। ये 20 मिनट का है, चर्चा, परचर्चा एवं सहभागिता बच्चों की करेंगे और उनके मन की बात को साझा करने का प्रयास करेंगे। बच्चों को चित्र चार्ट से छोटे बड़े की पहचान कराएंगे। स्कूल में छोटी और बड़ी चीज को दिखाकर बच्चों से पूछ सकते हैं और उनकी समझ को विकसित करेंगे। आगे हम आपको जूम करके दिखाते हैं, ये हमने टीएलएम लगाया है, इससे पूछ सकते हैं कि भालू का चित्र, हाथी बड़ा होता है छोटा, फिर बदक छोटी होती बड़ी, मच्छर छोटा होता है बड़ा। इस तरीके से छोटे बड़े की आप आराम से बच्चों से पहचान करवा सकते हैं, बच्चे बताएंगे। अब आगे देखेंगे, एक गतिविधि करानी है लंबे। हमने अपनी एक वीडियो डाली थी, मेरे लंबे हो गए पैर, खटोला हो गया छोटा, इसका कार्य 20 मिनट का है, चर्चा, परचर्चा एवं सहभागिता बच्चों की रहेगी। आगे देखेंगे, फिर बच्चों के लिए हम क्या काम करेंगे, शिक्षक बच्चों को चित्र चार्ट पोस्टर दिखाकर छोटे बड़े की पहचान को विकसित करेंगे और प्रश्नोत्तरी कार्य करेंगे। अब आप बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा रहता है, चींटी छोटी होती है बड़ी होती है, मच्छर छोटा होता है बड़ा। इस तरीके से कई क्वेश्चन आप बच्चों से पूछ सकते हैं, उनके मन की बात को साझा कर सकते हैं। शिक्षण के बाद में बच्चों को चित्र चार्ट दिखाकर छोटे बड़े को पूछेंगे, इसका कार्य 10 मिनट का रहेगा। हम आपको जूम करके दिखाते हैं, 10 मिनट प्रश्नोत्तरी और कार्य एवं अवलोकन। प्रश्नों की पुनरावृत्ति करेंगे, जो ऊपर प्रश्न दिए उनके दोबारा पूछ लेंगे, बच्चों की समझ विकसित हुई। कक्षा की अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करेंगे, कक्षा दो में कार्य पुस्तिका अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करेंगे। इस तरीके से हमारी पाठ योजना का सही तरीके से क्रियान्वयन हो जाएगा। गृह कार्य अपनी इच्छा अनुसार देंगे, जैसे बच्चों से एक लंबी फूलमाला बनवा लेंगे और इस तरीके से घर में बच्चों के लिए बड़े बड़े जानवर याद करने के लिए कह देंगे। इस तरीके से हमारी जो प्रथम पाठ योजना अच्छी तरीके से थी, ये द्वितीय पाठ योजना भी हो गई, अब ये तृतीय पाठ योजना है। इस तरीके से आपने देखे, मैं दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, हमारी ये तृतीय पाठ योजना है। ऊपर से मैं आपको जूम करके दिखा के लेके आता हूँ। इस तरीके से आप देखिए, हर पूरी तरीके से आपको क्रियान्वयन करना है और भारत को निपुण बनाना है। इस तरीके से निपुण भारत की ये पहचान है, अपनी पाठ योजना को बनाएं और उस कॉपी को अपने विद्यालय में रखें, कोई अधिकारी आए उसे दिखाने का प्रयास करें और बच्चों को हम गतिविधि के माध्यम से, खेल खेल के माध्यम से अपने भारत को निपुण बना सकते हैं और सरकार के बताए गए नियमों के अनुसार चलकर हम अपनी शिक्षा को अच्छा से अच्छा बना सकते हैं। जय।